रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश गोरखपुर वाला। तो दोस्तों आज आ गए हम बक्सीपुरा एक ऐसे शॉप पे जहाँ पे आपको अगरबत्ती मिलने वाली है होलसेल में, और आप यहाँ से जुड़ करके मात्र 5000 रुपया लगा के भैया बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। तो चलो अंदर दिखाते हैं काका मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ के ऑनर के बाद, चलिए बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे और कैसे आप जुड़ करके एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप शुरू किए हुए हैं तो कैसे यहाँ पे विजिट करके कुछ अच्छे दाम में सस्ते रेट में कुछ और चीज़ें पा सकते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर पहले अपना एड्रेस बता दीजिए हमारे व्यूअर को। बक्शीपुर चौराहे के पास में हमारी शॉप है, सड़क के उस तरफ सामने की तरफ एक रेस्टोरेंट है करी नाइट्स। गोरखपुर में अगर कोई बक्शीपुर चौराहे पे आता है तो यहाँ से 10 कदम पे बक्शीपुर चौराहा है। अच्छा अच्छा। अगर कोई रेलवे स्टेशन पे आता है, बस स्टेशन पे आता है, तो वो सीधे वहाँ से रिक्शा ई रिक्शा से बक्शीपुर चौराहे पे आ सकता है। अच्छा, कितने दूरी पर है रेलवे स्टेशन से? रेलवे स्टेशन वगैरह से 2-2.5 किलोमीटर है, सभी इम्पोर्टेंट जगहों से 2-2.5 किलोमीटर है। अच्छा। चूँकि गोलघर भी यहाँ से 1 किलोमीटर ही है जो कि सेंटर ऑफ सिटी है। तो ये बताइए मतलब कोई अगर जुड़ना चाहता है आपके साथ तो मतलब कितना रुपया लगा करके, क्योंकि बेरोजगारी देख रहे हैं ज़्यादा है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए हमको, ये लोगों उन लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए अगरबत्ती का बिजनेस है, इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी है और लोग इसे करके बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं जी, तो कितना रुपया लगा करके मिनिमम वो शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस? सर देखिए, रुपया तो सेकेंडरी चीज़ है। हाँ? सबसे बेसिक चीज़ ये है कि ये 12 मासी काम है। हाँ? और रोज़ इसकी खपत है, इसमें आप धूप बत्ती बनाइए, अगरबत्ती बनाइए, मच्छर अगरबत्ती बनाइए। हाँ? रेगुलर इसकी डिमांड है, हर वर्ग के लोग इसको यूज़ करते हैं, हर जाति धर्म के लोग इसको यूज़ करते हैं। 5000 रुपये से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग 20-20 साल 25-25 साल से जुड़े हुए हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं। हाँ। और सफल हैं, अपनी पूरी जीविका वो इसी रोजगार से चला रहे हैं। हाँ, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जब तक इंसान रहेंगे तब तक यूज करने वाला चीज़ है। तो इसमें आप ये बताइए कि मतलब 1 किलो जो है आपका, 1 किलो आता है किलो के हिसाब से, तो मतलब 1 किलो कितने रुपए का आपका आता है मिनिमम? ये 55 रुपए किलो से इसकी स्टार्टिंग है। अच्छा, 55 रुपए से 1 किलो मिलेगा। एक और किलो इसमें मिलेगा। कितने मतलब एक होते किलो हैं में? एक किलो में टेंटेटिव 1000 तिल्ली होती है। 1000 तिल्लियाँ होती हैं, बाकी इसमें तमाम क्वालिटी है। अच्छा, 55 रुपए, 60 रुपए, 70, 80, 90, तमाम रेंज के माल हैं। तो मतलब 55 रुपए से स्टार्टिंग है। 55 रुपए। और मान लीजिए कोई अगर यहाँ से लेकर के जाता है तो एक जो है 1 किलो दे रहे हैं, तो 1 किलो में वो कितना पैसा मतलब अर्निंग कर सकता है? एक टेंटेटिव बात करिए धूप की, मच्छर अगरबत्ती की या अगरबत्ती की। हाँ? कोई भी माल वो बना रहा है, अपने सारे खर्चे जोड़ के। हाँ? उसमें वो 20-25% की का मुनाफा डेफिनेटली कमाएगा। अच्छा अच्छा, 20% मतलब 20-25% तक का उसका मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन मिल जाएगा जी। और ये देख रहे हैं, अगर कोई 10,000 बता दीजिए, अगर कोई 10,000 का माल बनाता है तो मोटा मोटी उस पर 2,000 रुपये वो कमा लेगा, 10,000 का 12,000 वो कर लेगा। अच्छा अच्छा। तो ये देख रहे हैं, ये थोड़ा हमको लग रहा है ये मच्छरों के लिए, ये सर मच्छर अगरबत्ती है। हाँ? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। हाँ? और इसमें अभी कंपटीशन भी कम है। हाँ, चूँकि इसको करने वाले कंपैरेटिवली लोग कम हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां अभी देख रहे हैं इसको शिफ्ट किया है। तो हाँ, अभी जैसे अगरबत्ती बन रही है सैकड़ों साल से, ये एक एकदम नया प्रोडक्ट है जो कि 2-4 साल से मार्केट में आया है। हाँ, वरना इसके पहले सिर्फ कॉयल हुआ करते थे, कछुआ छाप जो गोल वाला कॉयल आता था सिर्फ वो चलता था। हाँ, अभी 2-4-5 साल से ये एक नया प्रोडक्ट आया है, तो उतना डीप पेनिट्रेशन इसका नहीं है। अच्छा। तो ये माल अगर कोई बनाता है तो इसमें मुनाफा अभी भी ज्यादा अच्छा है, नगद का काम है, अच्छा काम है ये। अच्छा अच्छा। थोड़ा डिटेल बताइए क्या है और कैसा, थोड़ा जो नए युवा नहीं जान पा रहे होंगे इसके बारे में। ये सर अलग अलग तरह के सेंट हैं। अलग अलग तरह के सेंट है ना, रोज मोगरा चंदन और कुछ फैंसी सेंट हैं। अच्छा, फैंसी सेंट है। रेट ऑलरेडी इसमें मेंशन हुआ है ना? रेट सब पे लिखा हुआ है, लेवेंडर लोबान तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे आइटम हैं। दोस्तों देख सकते सभी का रेट रखा हुआ, अब इतने पीस इतनी क्वांटिटी से सभी को दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा होगा। रेट ये सब पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल आपको मिल जाएंगे। सर जी कुछ का रेट आइडिया बताते, चलिए इसमें रेट नहीं छिपाऊंगा कुछ का। जैसे 10 रुपए वाला जो माल है ये लगभग 1.5 रुपए सैकड़े से शुरू है, मतलब 150 रुपए सैकड़े से। अच्छा, 10 रुपए वाला जो 150 सैकड़े से शुरू है। हाँ, और बाकी और 5 वाला जो है वो लगभग 90-95 रुपए से शुरू है, 90-95 रुपए प्रति सैकड़ा। ये कितने वाली है? ये सब 10 वाली है, ये सब 10 वाली है, इधर ये सारी 10 वाली है। ये 1.5 रुपए से शुरुआत है, इसमें 1.5 रुपए का भी माल है, 1 रुपए 70 पैसे का भी है, 2 रुपए का भी है, 2.25 रुपए का भी है।
मतलब इस तरीके से कह सकते हैं आपको 150 रुपये पीस मिलने वाले, 70 पैसा मिलने वाला, ये काफी कंफर्ट करके लिखा है इसके बारे में। ये सब मच्छर अगरबत्ती की पैकिंग है, इस तरह की और भी तमाम नाम से माल आता है। अच्छा, और नाम आता है ना? हाँ, मच्छर अगरबत्ती भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप आराम से 15-20% 30% मार्जिन कमा सकते हैं। ये सब 5 रुपए बिक्री के डिब्बे हैं, अगरबत्ती के डिब्बे हैं। जी। ये सब प्राइस, ये सब आउटर बिना आउटर के आता है, मोटा मोटी 80 रुपए पैसे से शुरू होता है। ये सब पैसे सब स्टार्टिंग होने वाली तरीके से। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो रेट आप कैमरे में बोल रहे हैं वो रेट हमारे व्यूअर के मिलने वाला की बस जा रहे हैं। देखिए, हर चीज में क्वालिटी है। और इस वीडियो में अगर हर क्वालिटी की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। तो स्टार्टिंग जो रेंज है या जो टेंटेटिव मोटा मोटी रेट है वही बता सकते हैं। अच्छा, वही बता जा रहा हूँ। और बाकी देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँ इस तरीके से कुछ बहुत सारे पैकिंग आपके बने हुए हैं और अलग अलग फ्लेवर में, कुछ डिब्बे कैसे हैं? डिब्बा का तो नहीं, ये हो गया, ये सब अगरबत्ती की पन्नियां हैं। अगरबत्ती की पन्नियां ना? हाँ, 5 वाली 10 वाली 20 वाली, बहुत सारे रेंज आपको, 50 वाली 100 वाली। मैं चाहूंगा कि जैसे मान लो कुछ हमारे व्यूअर हैं जी, जब बिजनेस करेंगे तो अपना अगर ब्रांड से प्रिंट करवाना चाहेंगे पन्नियों में तो जगह ना? ब्रांड वाला काम थोड़ा सा महंगा है। पहले जो बाजार में चीजें चल रही हैं उसको खरीद के पहले कुछ दिन बनाने लायक है। और अपना ब्रांड शुरू में ही डाल लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा शुरुआत में। मान लो कोई फेमस अगर हो जाता है फिर अपना ब्रांड तो डाल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है, फेमस अवेलेबल करा देंगे ना? फिर बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे। क्वांटिटी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मोटी मोटा बात करें ये लगभग मान के चलिए कि ठेले वाला आ रहा है, एवरेज जो कॉस्ट आती है लगभग वो 50 पैसे की पड़ती है। जो है स्टार्टिंग रेंज, फिर से रिपीट करें, स्टार्टिंग रेंज 50 पैसे पड़ने वाली है। सर, मैं व्हाट्सएप पर कॉल करेगा, जो डिटेल जाना चाहेगा तब लोग अवेलेबल करा देंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे, कोई चाहे तो स्टोर विजिट भी कर सकता है। जी। मंगलवार को हमारा स्टोर बंद रहता है। स्टोर यही है। ये अलग अलग अगरबत्ती के पैकेट, पाउच या लेडी सब मिल जाएंगे। प्लस ऊपर भी देखें बहुत सारे आपको अगरबत्तियाँ दिख रहे हैं, कुछ कलेक्शन ऑलरेडी, ये सब बना बनाया माल है लेडी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगरबत्तियाँ वगैरह रखी गई हैं, केश स्टिक्स वगैरह पूरे रखे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंट के पूरे, ये सब परफ्यूम है अगरबत्ती के, ये परफ्यूम वाली है। जी जी, सब सेंट है। है ये जो मैंने आपको वियतनाम क्वालिटी की अगरबत्ती बताई थी, ये वो बत्ती है जो पानी में भी आप डिप करके जलाएंगे तो जलेगी। दोस्तों, ये अगरबत्ती पानी में भी जलने वाली, पानी में अगर डिप मानिए भिगो कर जलाते हैं तो भी जलने वाली, इसमें पूरा अगरबत्ती भरा हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि इसको पानी में डिप करके जलाने का कोई प्रोसेस है। अच्छा, कहने का मतलब है कि बर्निंग क्वालिटी इतनी अच्छी है, अच्छा कंडीशन आता कि भीगने के बाद भी जलेगी। ठीक, समझ रहे हैं। बाकी इधर तो आपने लेडी आप लोगों ने पहले ही देख चुका है, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। ये सब सर अगरबत्ती का परफ्यूम है, ब्लैक स्टोन है, संदल है, मल्टी ड्रैकर है, एरो बुकेट है। अच्छा। सैकड़ों आइटम है, दुनिया भर की चीजें हैं। जी। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा बना सकता है। कुछ स्टार्टिंग रेंज बताएंगे सर? ये कोई भी परफ्यूम है, ये 400 रुपए किलो से शुरू है, 400 रुपए किलो से शुरू और ऊपर में मोटा मोटी 1600 रुपए किलो तक का परफ्यूम हमारे पास जनरली बिकता है। 1600 रुपए तक, ठीक है, मैक्सिमम। और आगे क्या है? ये सब परफ्यूम है सर, ये सब परफ्यूम है, सब परफ्यूम है ना। ये अगरबत्ती की पन्नी है, ये आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, ये अभी नहीं, ये कुछ पन्नियां रखी सर, इसके बारे में बताइए क्या? ये सब अगरबत्ती की पन्नियां हैं जी, धूप बत्ती है, ये गीला धूप बत्ती है, गीला धूप बत्ती, इसकी इसका भी पैकिंग मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है जी। और ये सब एक नंबर क्वालिटी का माल है जी, जी एक बहुत अच्छा ब्रांड है जी, उसी की ही ये धूप बत्ती है। अच्छा, इसको आप अपनी पैकिंग ले जाके आप चाहें तो अपना पैकिंग मटेरियल खुद या तो प्रिंट करा लीजिए जी, या बाजार में जो चीजें उपलब्ध हैं उसमें इसको ले जाके पैक करके आप बेच सकते हैं। भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी जैसे कोन धूप भी आती है, अच्छा, गीली धूप बत्ती है, सिगरेट धूप भी आती है जी, जी। तो सब अलग अलग माल है, अलग अलग सबका रेट है। आगे मुझे कुछ कच्चा बेला, ये सब सर परफ्यूम है, इसको मेंशन करके क्योंकि देखिए इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा बोला, ठीक है। अच्छा, परफ्यूम ऐसे हमने पैकिंग बड़ा जबरदस्त लग रहा है इस तरीके। हाँ, ये शाइनिंग डिब्बा उब्बा थोड़ा सा ना इधर, और ये भी परफ्यूम सारे हैं ना? ये सब परफ्यूम है सर, इतना ज्यादा परफ्यूम अब मेरे हिसाब से मत दिखाइए। ये मच्छर अगरबत्ती है 12 इंच की ऑरेंज बत्ती, ये मोटा मोटी 100 रुपए किलो, 105 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, अलग अलग रेंज है। रेट वेरी भी करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, सीजन आता है तो रेट ऊपर चले जाते हैं, ऑफ सीजन में रेट नीचे आ जाते हैं, और जब सीजन रहता है तो ये सब माल की शॉर्टेज हो जाती है, माल मिलता नहीं है जी। ये भी काम अगर कोई करे, जब भी मच्छर आपको लग रहे हैं तब आप याद करिए कि मच्छर अगरबत्ती का बिजनेस किया जा सकता है। जब प्रचंड गर्मी पड़ेगी इसका बिजनेस ठप हो जाएगा। अच्छा, जब प्रचंड ठंड पड़ेगी इसका बिजनेस ठप हो जाएगा। अभी तो जोर शोर चलेगा, अभी अच्छा चलेगा, अभी अच्छा चलेगा। इसकी पैकिंग वैकिंग उपलब्ध है।
एक किलो में लगभग 700 स्टिक होती है, इसमें केमिकल लगा हुआ भी माल है। और एक 10 रुपए का जो पैकेट बाजार में मिलता है, तो कितने मतलब स्टिक डाले जाते हैं उसमें? बढ़िया से बढ़िया आप माल बना लीजिएगा, 50-60 रुपए दर्जन में माल आपका तैयार हो जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, 60 रुपए में माल आपका तैयार हुआ, जब उसकी उस माल की तैयारी 120 रुपए है, इस हिसाब से देखिए तो 100% का मार्जिन है। डबल मुनाफा कर सकते हैं, डबल मुनाफा कर सकते हैं। लाख रुपए का माल या 10,000 का माल आपका 20,000 में हो जाएगा। अगरबत्ती के बिजनेस ऐसे है, अगरबत्ती में मुनाफा है, अच्छा है। प्लस एक बात, ये भी खराब जल्दी होने वाला चीज है नहीं, खराब होने वाली चीज नहीं है। बाकी हर बिजनेस में कुछ मेरिट डिमेरिट हो जाता है, हर काम को संभल के करना पड़ता है, उधारी देनी पड़ती है, उधारी की रिकवरी कैसे लेना है वो आना चाहिए। और ये डेली बेसिस पे भी, डेली बेसिस पे यूज करने वाले आइटम है ये सब। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाने के बाद फाइनली यहाँ के ओनर के पास आ गए हैं और यहाँ पे पूछते हैं सब चीज़। तो सर, जो भी आप चीज़ें दिखाए हैं यहाँ हमारे बीवर को, जिस भी रेट में दिखाए हैं वो मतलब उसी रेट पे आप दे देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर, हर चीज में क्वालिटी है। और ऑन कैमरा बोले हैं तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जो बोले हैं वही सत्य है। 55 साल से काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बोलते हैं वही करते हैं। नहीं नहीं, क्या होता है बहुत सारे लोग मतलब हैं कि मतलब बोलते कुछ हैं, आने पर कस्टमर को देते कुछ और हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों को मतलब देखते हैं सब, तो उनको लगता है कि एक फ्रॉड तरीके से ये वीडियो लोग बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं, बता रहे हैं जेन्युइन रेट बता रहे हैं। बिल्कुल सर, देने वाले देखिए सर, इतने समय से आदमी एक इम्पोर्टेंट चौराहे पे बैठ के व्यवसाय कर रहा है और गलत बात करेगा तो उस काम को नहीं कर पाएगा। आज आप मेरा नाम डालेंगे गूगल पे तो उसमें मेरा नाम आएगा, तमाम रिव्यू आपको दिखाई देंगे, उसमें कोई ये रिव्यू आपको नहीं दिखाई देगा कि इसने हमको चीट किया। हमारे पास भी कभी कभार समय रहता है तो शायद सबसे मीठा तो हर समय ना बोल पाए, लेकिन जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा अगरबत्ती की शॉप, और यहाँ से जुड़ करके बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो पे, और आप वीडियो में पहली बार आए हैं फिर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।